ने इस दफा बहुत अच्छी पुश की और गोलकीपर को कंप्लीट बीट किया। उनके बाएं जाने के लिए गोल को गेम कंप्लीट बीट किया है शहबाज ने आज अपने पैंतीस शॉट से गोलकीपर। एक और जाविये से आपने देखा मुकाबला जो है बहुत दिलचस्प मरहले में और न सिर्फ देखने वालों बल्कि सुनने वाले देखने वाले सब में और ऐसा हाईएस्ट स्कोरर हैं इस टूर्नामेंट सामने मंसूर और गोल। हॉर्नेट्स की पुश बहुत ही अच्छी है कहना गलत ना होगा कि दुनिया में इस वक्त सबसे अच्छी पुश वो करते हैं और बाकी तरफ से आए और गोल पाकिस्तान को फॉरवर्ड लेंडर हॉलैंड की तरफ से आएंगे बराबर करने के लिए। शहबाज ने बहुत अच्छा शूट किया और स्पीड में था अपनी स्पीड से गोलकीपर को दाएं जाने की इच्छी किया। बॉबलैंडर भी पुश बहुत अच्छी करते हैं और बाहर आया बॉबलैंडर से पाकिस्तान को हॉलैंड बॉबलैंडर का स्कोर बाहर गया तमाशाइयों का अजीब जोश और खरोश यहां पे पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। ये देखिए बॉबलैंडर ने बाहर फेंका ताहिर जमान और गोल एलिसन और उनके कप्तान वर्ल्ड कप उनके हाथ से जा रहा है और गोल 3-2 बॉबलैंडर ने पेनल्टी स्ट्रोक बाहर फेंका हुआ है। हॉलैंड के हीरो तो सफर किए जाते हैं। मार्क जेलिसन ने गोलकीपर को शॉट के साथ जीत किया और गेंद को नेट में पहुंचाया। पुराने खिलाड़ी हैं कप्तान हैं उस्मान कॉनर जेंसन और गोल पाकिस्तान 4 हॉलैंड 2 ब्रिंकमैन आए हैं हॉलैंड की तरफ से और अगर ये मिस करेंगे तो मैच खत्म पाकिस्तान आलमी चैंपियन। ब्रिंकमैन और मंसूर और गोल मंसूर दूसरी तरफ गए कर पाकिस्तान की तरफ से आए हैं 16 नंबर की कमीज पहने हुए पाकिस्तान के शफकत और रोनल्ड जेंसन और शफकत की गलत पुश और मैच बराबर 4-3 अभी भी मौका है पाकिस्तान जी अभी भी मौका है। अब आए हैं हॉलैंड के नौ उम्र खिलाड़ी और अब ये जिम्मेदारी डेलमी मंसूर के ऊपर आ गई है जी हाँ डेलमी शफकत की गलत पुश और पाकिस्तान ने एक बहुत ही आसान और नादर मौका खो दिया है वर्ल्ड कप जीतने का। अगर सेव करते हैं तो फिर भी पाकिस्तान आलमी चैंपियन है। डेलमी नए खिलाड़ी हॉलैंड के और जब अब पाकिस्तान ने जीत लिया आलमी कप पाकिस्तान आलमी चैंपियन डेलमी की गलत पुश जो के मंसूर ने बचाई पाकिस्तान सिडनी में चौथी दफा आलमी चैंपियन। सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी
सजदे में तुम्हारे छाई ग्राउंड के अंदर एक अजीब मंजर है। यहाँ पे सिडनी में पाकिस्तान आर्मी कप जीत गया है। 30